الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मोहतरम दीनी भाइयों, आपके सामने मैंने कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 30 की तिलावत की, जिसका मफहूम आपके सामने मैं पेश करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन मर्दों से कहिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और ये पाकीज़ा तरीक़ा है, अल्लाह ताला को खबर है जो ये करते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन मर्दों से ख़िताब किया है और नीचे निगाह करने का हुक्म दिया है। और हम जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली नज़र तुम्हारी माफ़ है और दूसरी नज़र हराम है, इसलिए कि अगर पहली नज़र धोखे से पड़ जाए, अचानक पड़ जाए, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन दूसरी नज़र अगर किसी मोमिन की किसी गैर महरम के ऊपर पड़ती है और वो उस नज़र से लुत्फ उठाता है, उसका मकसद लुत्फ उठाना है, अल्लाह ताला ने उसको सख्त मना किया है। लिहाजा अल्लाह ताला को खबर है, अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, मोमिन औरतों से कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मोमिन औरतों से अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने सरों पर चादरें डाल लें, अपने सीने पर ओढ़नियां डाल लें, बनाओ सिंगार करके घर से बाहर ना निकलें, बनाओ सिंगार किसी गैर महरम को ना दिखाएं। गैर महरम की एक पूरी लिस्ट यहीं से शुरू हो जाती है कि किन के सामने हमें पर्दा करना है, किन के सामने हमें पर्दा नहीं करना है, यानी वो जो महरम है उनकी बारे में यहाँ पर सारी जैसे शौहर के सामने, अपने वालिद के सामने, अपने भाई के सामने, अपने मामा के सामने, अपने चचा के सामने, इनसे पर्दा नहीं, ये महरम है। इनके अलावा जो भी आगे इस आयत में 31 नंबर की आयत में जिनके बारे में बताया है उनसे उनका पर्दा नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम ईमान वाली औरतों से, जब भी वो घर से बाहर निकलें अपने ऊपर जिलबाब ओढ़ लिया करें। जिलबाब वो चादर है जिससे पूरा बदन ढक जाता है, यानी आज हमारे माशरे के अंदर बुरका जो चल रहा है वो बदन को ढांकता तो है लेकिन बदन के जो आज़ा हैं उससे उभरे हुए नज़र आते हैं। लिहाजा आज का जो बुरका है वो भी पहनना ऐसा ही है जैसे आज के ज़माने में टाइट कपड़े जो पहनती हैं औरतें। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नुक्ते बताए हैं पहनने के। औरत और मर्द के लिए पहले नुक्ते में फ़र्क है, औरत का सतर सर से लेके टखने तक यानी पूरा ढका हो और इतना हाथ कलाई यहाँ तक पूरे पूरे ढके हों। दूसरी बात, मर्द का जो सतर है वो नाव से लेके घुटने के नीचे। इसी तरह हम दूसरे नुक्ते की तरफ चलते हैं तो औरत टाइट कपड़ा या मर्द टाइट कपड़ा यानी चुस्त कपड़ा ना पहने। औरत या मर्द कौन सा कपड़ा ना पहने? बारीक, जिससे उसका जिस्म झलकता हो, अंदर से दिखाई देता हो, ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनना भी हराम है। दूसरे मजहब की निशानी का कपड़ा ना पहने, यानी वो कपड़ा जिससे ये बात रिप्रेजेंट हो रही हो कि ये दूसरे मजहब की निशानी का कपड़ा है। किसी कल्चर के कपड़े की बात नहीं हो रही है, कोई कल्चर का मतलब कोई जिस दूसरे माहौल में लोग रहते हैं उसमें उस तरह के कपड़े पहन लेते हैं उसकी बात नहीं, मजहब की निशानी का कपड़ा। उसके बाद मर्द औरत का लिबास नहीं पहने और औरत मर्द का लिबास ना पहने। और छठा नुक्ता है कि वो
आप भड़कीला कपड़ा ना पहने जिससे दूसरा गैर महरम मुतासिर हो। लिहाजा इन छह नुक्तों के जो वाजे कर दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके अलावा आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। लिहाजा कपड़े के ऊपर कोई ऐसी मुहर नहीं लगाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यही कपड़ा इस्लाम का कपड़ा है। लिहाजा इसमें छह नुक्ते हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कि कह दीजिए अपनी बीवियों से, बेटियों से, तमाम ईमान वाली औरतों से, जब भी घर से बाहर निकलें वो अपने ऊपर जिलबाब ओढ़ ले करें। जिलबाब के बारे में अभी आपके सामने बताया कि एक बड़ी चादर होती जो उस औरत के तमाम आज़ा को ढक लेती है। लिहाजा आज हमारे माशरे के अंदर ये बात वाजे है, ये बात जानते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस तरह कपड़े पहनती हैं कि कुरान के भी खिलाफ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी खिलाफ है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचें, क्योंकि आपने सख्ती से इन कपड़ों को पहनने से मना किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में ये बात फरमा दी कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, के बन समर के घर से ना निकलो इस तरह जैसे जाहिलियत के दौर में औरतें निकला करती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बन समर के घर से बाहर ना निकलो। और हम जानते हैं कि आज हमारा बनना संवरना, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनका बनना संवरना गैर महरम के लिए है, ना कि उनके शौहरों के लिए हो। अल्लाह माफ करे, आज ये बहुत बड़ी हमारे माशरे के अंदर गुमराही फैली हुई है। अल्लाह ताला हमारी उन बहनों को माफ़ करे, उनको हिदायत अता फरमाए कि वो अपने शौहर के लिए मेकअप नहीं करती, बल्कि जब वो किसी शादी ब्याह की पार्टी में जाती हैं या किसी और फंक्शन में जाती हैं तो फिर वो ऐसा मेकअप करती हैं कि कभी उन्होंने शौहर के लिए भी ऐसा मेकअप ना किया हो। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर मेकअप करें तो अपने शौहरों के लिए करें। लिहाजा अगर कोई औरत घर से मेकअप करके निकलती है तो पीछे से शैतान क्या करता है, उस औरत को गैर मर्दों की नजर में, गैर मर्दों की नजर में वो औरत बहुत खूबसूरत बना के दिखाता है, बहुत खूबसूरत बना के दिखाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है। लिहाजा हम देखते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर और मौके पर लड़कियां इस तरह से मेकअप करती हैं कि गोया के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जहां पर लड़कियों की नुमाइश हो रही है और वहां पर नंबर दिए जा रहे हैं कि ये किसके कितने नंबर हैं और इसे कितने नंबर, अल्लाह माफ करे। लिहाजा ये बेपर्दा घूमना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये तकवा है कि जो औरत अपने आप को छुपाएगी वो अल्लाह की नजर में ऊंची और अच्छी मानी जाएगी, तकवे वाली मानी जाएगी। लिहाजा मैं आपसे इसी बात को कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अल्लाह ताला हमारी उन बहनों को, हमारी बेटियों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने, उनकी बात मानने और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।